व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये वीडियो आज टाइटल आपने पढ़ लिया है, डिसअपॉइंटमेंट। आज जिम नहीं गया क्योंकि आज यहाँ जिम बंद है। कैलिफोर्निया में यहाँ पर दोबारा जिम बंद कर दिए गए हैं। मई से जिम खुले थे यहाँ पर, और इसके बाद दोबारा नवंबर में लॉकडाउन जिम को बंद कर दिया है। मतलब इंडोर बिजनेसेस जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर बंद है, काफ़ी और स्टेट्स के अंदर भी अप्लाई है। डिपेंड कर रहा है जहाँ पर COVID-19 का जो नंबर बढ़ता जा रहा है उस स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है। तो सोचा नहीं था कि जिम बंद हो जाए अचानक, क्योंकि जैसे मैं मूव हुआ हूँ पिछले 3-4 महीने पहले यहाँ इस एरिया में, तो मैंने सोचा जिम खुले हुए हैं तो मैंने गलती कर ली। पिछले घर में जिम था, यहाँ मैं सामान लेकर नहीं आया, सिर्फ मेरे पास केज है एक और थोड़ा सा फ्री वेट है। तो मैंने सोचा चलिए अब तो दोबारा लॉकडाउन या बंद होने का खतरा तो नहीं है, और तो मैंने जिम की इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब अचानक जिम बंद हुआ और सडनली जो मैं स्ट्रेंथ प्रोसेस चल रहा है मेरा, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग चल रही है, ऑनेस्टली बताऊं आपको मैं, और सडनली आज मेरे पास उसकी रिप्लेसमेंट में प्लान नहीं था कि जो इक्विपमेंट्स जो मैं आइसोलेशन कर रहा हूं, जो हैमर ट्रेनिंग कर रहा हूं, जिन इक्विपमेंट्स का जिम के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, वो तो मेरे पास है ही नहीं और वैरायटी है ही नहीं। तो एकदम मेरे लिए एक पॉज हुआ, आज मैं रेस्ट में हूं। और जब मुझे रात को ईमेल आ गई थी, हमें जितने मेंबर्स होते हैं आप, वहां ईमेल आई कि जिम क्लोजर, यू नो रीक्लोजिंग द बिजनेसेस, और उसके अंदर गाइडलाइन जो भी कैलिफोर्निया की थी वो मैंने पढ़ी। एंड आई वाज लाइक वाओ, चलो मैं तो कम्पीट नहीं करता हूँ, जो लोग शोज में कम्पीट करते हैं, जिनके शो अगले 2 हफ्ते में हैं, अगले महीने हैं, यहाँ शोज होते हैं कैलिफोर्निया, आपको मालूम है फिटनेस के शोज सारा साल चलते हैं, तो वो लोगों की ब्रेक लग गई। जो लोग स्ट्रेंथ के शो कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनकी ब्रेक लग गई। तो कहने का मतलब हर एक के पास तो घर में इक्विपमेंट नहीं है, तो मतलब है कि मेरे पास थोड़े से इक्विपमेंट थे। और जैसे ही ये लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन यूएस में हुआ नहीं, जैसे जिम रीओपन हुए तो मैंने जरूरत नहीं समझी। और अब क्या हुआ, आज सबसे पहले मैंने अब जब उठा हूं तो मुझे मालूम है कि ये जिम अभी, क्योंकि ये हॉलीडे सीजन है यूएस में, थैंक्सगिविंग से क्रिसमस न्यू ईयर, तो लोग बाहर जब जाते हैं शॉपिंग शूपिंग के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। तो उसका मतलब है कि जो लोग ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं बनेगी, क्योंकि फेस्टिवल एरिया है तो अक्सर लोग गेट टुगेदर बहुत है, उसने रोकने के लिए इन्होंने ये अभी शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये अभी चलेगा 2 महीने। तो 2 महीने मैं तो अभी पिछले 4-5 लगभग अगस्त से जिम शुरू किया मैंने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3.5 महीने जिम मैंने दोबारा शुरू किया, उसके 4-5 महीने बंद नहीं किया, घर में करता रहा। तो वो जो स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है, वो जो दोबारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम सेट हुआ है, वो जो नए मसल फाइबर्स दोबारा रिक्रूट होने शुरू हुए हैं, उस पर ब्रेक लग रही है। अब मुझे, मैं तो वेट नहीं करूंगा जिम कब ओपन होंगे, तो मैंने अब सुबह जो मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर जिम इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो आई कॉल दोज पीपल, और जो भी मुझे जल्दी अवेलेबिलिटी के लिए अवेलेबल मेरे लिए इक्विपमेंट बन सकते हैं, मैंने कॉल की, और उनको 5 से 7 बड़ी और अच्छी और जो मशीन्स है आइसोलेशन हैमर को ऑर्डर किया, उसके साथ कुछ फ्री वेट्स और ऑर्डर किए। मतलब है कि मैंने सामान ऑर्डर किया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सामान डिलीवर मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी दिसंबर मिड में जाकर सामान पहुंचेगा। तो मेरे पास अभी 2-3 पेयर डंबल के हैं, 10 पाउंड 20 पाउंड 30 पाउंड, और मेरे पास लगभग आई थिंक 350 पाउंड का वेट अब भी है, फ्री वेट प्लेट्स बारबल और केज है, जिसमें मैं काफ़ी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ज़्यादा रेजिस्टेंस तो नहीं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन टाइम पास वर्कआउट कर सकता हूँ, और वो मैं कल करूँगा। साथ में ट्रेडमिल है जिसका मैं कार्डियो हाई इंटेंसिटी में इस्तेमाल करूँ। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग यहाँ कैलिफोर्निया में हैं या दूसरी स्टेट में हैं, जब अचानक जिम बंद किए हैं, और इट्स वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, सेम वैसे जैसे इंडिया में बहुत लोगों को है अब भी, लेकिन बहुत जगह इंडिया में खुले हुए हैं। तो अभी 1 महीने बाद
जो मेरा गैराज है, काफ़ी बड़ा गैराज है, लार्ज साइज एक्स्ट्रा लार्ज गैराज है, और वहाँ पर मैं सारी इक्विपमेंट लगा दूंगा वहाँ पर। और फिर लेकिन तब तक तो मुझे टाइम पास वर्कआउट करना पड़ेगा, और मैं आपके लिए एक प्रोग्राम शूट करना था मैंने, और सिक्स पैक ऐप मेरा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा रह गया शूट होते हुए। रोड टू सिक्स पैक जो नया प्रोग्राम दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, उसकी वीडियो की कुछ शूटिंग पेंडिंग थी, और बंद होने से अब मैं उस चीज़ को शूटिंग कर पाऊँगा, मतलब वो एक्सरसाइज वहाँ कर ही नहीं पाऊँगा। तो उस सिक्स पैक का जो प्रोग्राम है उसको अलग तरीके से अब मैं बना रहा हूँ, और मॉडिफाई कर रहा हूँ उसको, अलग तरीके से करना पड़ेगा कि जो मेरे पास है मैं उस तरीके से आपको बता पाऊँ। एक तो वो था, एक नए साल में मैंने आपके लिए प्रोग्राम लाना था, जनवरी 1st और 2nd को एक और प्रोग्राम लाना था, अब वो भी शूट नहीं कर पाऊँगा, जिम बंद है। तो उसको अगर मैं गैराज में तभी कर पाऊँगा अपने यहाँ पर, कि मेरे जिम सेटअप हो जाता है तब तक, मैंने बोला हुआ है आई थिंक होपफुली क्रिसमस तक हो जाए, लेकिन हॉलीडे सीजन है, यहाँ पर कोविड के कारण चीज़ें डिले भी होती है। तो मेरे जिम के अंदर मेरे एक दो दोस्त थे गोरे, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मतलब उनकी जो मतलब डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स है, स्ट्रेंथ बेस्ड का इज वेरी हैवी एंड बिग, मेरे से डबल ट्रिपल होंगे, एंड 500 पाउंड 600 पाउंड लगाते हैं, तो उनका तो बंद ही हो गया, उनके पास इतना वेट भी नहीं है। और यहाँ पर वेट बाय करना आज की डेट में कोविड के दौरान 4 गुना महंगा है, तो इंडिया में महंगा हो गया। डंबल का छोटा सा पेयर जो आम मिलता था वो अब खास मिलता है, महंगा मिलता है बहुत। मैंने जो इक्विपमेंट अभी ऑर्डर किए हैं, आप मुझे 4 गुना ज़्यादा पे करना पड़ा अगर वही मैं एक साल पहले ऑर्डर करते या कोविड के दौरान नहीं करते तो। लेकिन वो भी ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे लिए एक ये मेरा घर है, दूसरा जिम एक दूसरा घर मानते हैं हम, हमारे घर के बाद एक दूसरा घर है वो जिम है, जो आपका भी वही घर होगा जो फिटनेस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है उसको दोबारा बनाने के लिए मुझे ये दोबारा जिम रीबिल्ड कर रखना पड़ेगा बैकअप के लिए, और हो सकता है वैक्सीन मिले, जब तक तो वैक्सीन नहीं आती शायद तब तक तो जिम बंद करेंगे। जिस काउंटिंग में हूँ मैं, उस काउंटिंग के अंदर सबसे कम केस थे, लेकिन ये भी वाइड स्प्रेड हो गया, ये भी उस केस इस काउंटी के अंदर भी केस पड़े, काउंटी मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोल लो आप, जिला जो होता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी केस हुए हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ भी जिम है। लेकिन ये जिम खुले हुए थे उस दौरान भी, जब बाकी जिम बंद थे आसपास, सैक्रामेंटो सैन फ्रांसिस्को साइड, लेकिन ये खुला हुआ था, लेकिन यहाँ भी वाइड स्प्रेड हो गया। तो मैंने चलिए क्विक आपको अपडेट दे दूँ, अकेला मेरा जिम का कारण नहीं है, जो प्रोग्राम्स मैं आपके लिए बनाता हूँ वो जिम से रिलेटेड जो बनाता हूँ वो जिम का एक्सेस होना चाहिए तभी है। तो जिम बंद है तो कुछ नहीं शूट कर पाऊँगा, और चलिए होपफुली मैं जल्दी जो मेरे इक्विपमेंट्स है वो यहाँ बिल्ड हो जाएंगे, बड़ी मशीन्स आ रही है, और आई थिंक जब वो आ गई तो फिर तो आपके लिए हफ्ते में चाहे प्रोग्राम लॉन्च कर लें, ठीक है ना। बट चलिए, टेक केयर, गुरुमान आउट, बाय।